हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता मापी गई है। ये कह सकते हैं कि ये कम है, इससे कोई खतरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपको जानकारी हम दे दें कि शिमला भूकंप का केंद्र रहा है। 2.9 मापी गई है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और शिमला रहा है इसका केंद्र। उमेश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ शिमला से फोन लाइन पर मौजूद है। उमेश, क्या जानकारी आपके पास भूकंप के झटकों लेकर? तीव्रता 2.9 नहीं होकर उस जमाने से बेहद कम बताई जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 6 महीने में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ये चिंता का विषय वो जरूर रहेगा। लेकिन भूकंप की तीव्रता 2.9 है तो वो काफी जमाने से काफी कम मानी जाती है। ये जरूर कहा जा सकता है कि भूकंप लगातार आ रहे हैं, जो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में जो जोन 5 में आता वो चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीव्रता कम रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले 6 महीने देखे तो 6 महीने में महीने में 3 से 4 घटनाएं भूकंप की हो रही है, जिसका केंद्र हिमाचल प्रदेश ही रहता है। ज्यादातर जो भूकंप का केंद्र है वो चंबा जिला रहता है, लेकिन आज का जो भूकंप है वो शिमला जिला उसका केंद्र बोला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो लोग हैं लगातार भूकंप की घटनाओं से चिंता। अच्छा उमेश, ये भी बताइए, जाहिर तौर पर हल्के झटके महसूस हुए होंगे, क्या लोगों ने महसूस किए हैं, आम लोगों ने ये झटके भूकंप के 2.9 तीव्रता का जो भूकंप आया रिक्टर स्केल पर? जो 2.9 की तीव्रता है वो ऐसी तीव्रता है जिसको महसूस किया जा सकता है, सिर्फ मशीन के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। जैसे मौसम विभाग केंद्र विभाग है, मौसम विज्ञान केंद्र है, यही लोग इसकी आंकलन करते हैं, लेकिन इतनी कम तीव्रता को महसूस करना मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी और बताया कि बहुत कम तीव्रता का भूकंप के झटके थे, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि भूकंप के झटके ज्यादातर महसूस किए गए और ये 5 से 6 बार हाल ही के कुछ महीनों में हो चुका है।